हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक यूट्यूब चैनल के बैनर को कैसे बनाते हैं फिक्सल लैब की मदद से, और 3D वॉलपेपर कहां से लें, वो भी कॉपीराइट फ्री, कोई कॉपीराइट नहीं होगा, और यूट्यूब चैनल के बैनर को यूट्यूब स्टूडियो में कैसे सेट किया जाता है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए अपने भाई का नाम। मेरा नाम प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं एसपी इंडियन टेक। चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको यूट्यूब चैनल के बैनर को बनाने के लिए एक बैकग्राउंड के लिए वॉलपेपर की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा कि कॉपीराइट फ्री वॉलपेपर आप कहाँ से लें। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। सो फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने पर यहाँ पर लिखें 3D वॉलपेपर। देखिए फ्रेंड्स, ये 3D वॉलपेपर हैं जितने भी हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप साइट में बदल लें। तो फ्रेंड्स, ये हमने डेस्कटॉप साइट में बदल लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर दें। क्लिक करने पर काफ़ी सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें से कौन सा वॉलपेपर कॉपीराइट फ्री है, इसके लिए हमको क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेटिंग के पास टूल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट स्लाइड कर लें। जूम लगाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यूजेज राइट आ गया है, यहाँ पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इस पर क्लिक कर लें, या कॉमर्शियल या अदर लाइसेंस पर क्लिक कर सकते हो। दोनों के दोनों कॉपीराइट फ्री हैं। मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कर देता हूँ। अब जितने भी ये वॉलपेपर आपको नज़र आ रहे हैं, सभी कॉपीराइट फ्री हैं। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे, वही वॉलपेपर यहाँ पर आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एक वॉलपेपर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये, इस पर क्लिक कर लेंगे जैसे। सो फ्रेंड, इसको क्लिक करे रखें, और क्लिक करे रखेंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको डाउनलोड इमेज, इस पर क्लिक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप किसी और भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब यूट्यूब चैनल के बैनर को बनाते हैं। अपने मोबाइल में फिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लें। इसी से ही थंबनेल बनता है, इसको यहाँ से ड्रैग करके डाउन कर दें, और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके अपने YouTube चैनल के बैनर के साइज़ को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए YouTube चैनल बैनर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ओके कर दें। अब जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा, वो आपके YouTube चैनल का बैनर होगा। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से वॉलपेपर को सेलेक्ट कर लें, जो हमें बैकग्राउंड में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ वॉलपेपर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वॉलपेपर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, और फ्रेंड्स इसको थोड़ा क्रॉप करके बड़ा कर लें, जिससे कि इस पर साइज़ बिल्कुल ठीक आ जाए। तो फ्रेंड्स, जिससे कि ये अब इस साइज़ का हो जाए। यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल फिट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएं, ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एसपी इंडियन टैग, और इसको ओके कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको ड्रैग करके यहाँ पर मिडिल में लाएं। ये फ्रेंड्स, हम इसको मिडिल में ले आए हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, और साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। तो मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। इसके फॉन्ट्स को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। यदि दोस्तों ये फॉन्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, मैंने ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, माय फॉन्ट्स,
यहाँ पर तीन फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं चिल ब्लड इस पर सिलेक्ट कर दिया है और ओके कर दिया है, इसी तरह का ये यहाँ पर आ गया है ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर जाएंगे और अपनी गैलरी से कोई भी अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर फोल्डर में आप जाकर अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसको क्रॉप करके थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब ये फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये बैनर बना लिया है। आप कुछ भी लगाना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो, यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेमोरी का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें और इमेज सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसको सेव कर दें गैलरी में। अब फ्रेंड्स, इसके बाद इन सब को हटा दें, इस तरह से हटा दिया। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करके जो भी अभी आपने इमेज सेव की थी उसको वापस यहाँ पर वापस सेलेक्ट करें, इस तरह से ओके कर दें। ओके करने पर फ्रेंड्स, इसको इतना क्रॉप करें, इतना क्रॉप करें, इस तरह से ये हो गया है, इस तरह से अब ये हो गया है। अब फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर फिर से सेव कर दें, अब ये सेव हो गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बैनर को अपने YouTube स्टूडियो में जाकर अपने चैनल पर कैसे लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना होगा। तो कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेआउट के बाद लेआउट ओपन हो गया है और इसके बाद ब्रांडिंग लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो और बैनर भी लगा सकते हो और अपनी वीडियो पर वाटरमार्क भी लगा सकते हो, सभी वीडियो पर आएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने चैनल का लोगो लगाकर दिखाता हूँ जो अभी मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करें और जो अभी फिक्सर लैब में आपने बैनर बनाया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर डन कर दें, यहाँ पर पब्लिश कर दें। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ, देखिए अपने चैनल पर जाएं, योर चैनल, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर बैनर लगा सकते हो। ये जो आपने पिक लगाई है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर पिक लगी है उसको थोड़ा और ऊपर कर दें तो ये बिल्कुल सेट आ जाएगी। ऊपर भी कर दें और थोड़ा लेफ्ट भी कर दें, ये एक दो बार में होगा, जैसे ही आप खुद से करोगे तो ये हो जाएगा। एक बार में ये गलत हो जाता है, एक दो तीन बार में करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो आपको लाता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।